नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त बीएल मीना प्रज्ञान आरएस स्टूडियो जयपुर से एक नवीन विषय के साथ कोरोना और खुशी। संसार में अरबों इंसान खुशी चाहते हैं, सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं और दिन रात इसी के लिए काम करते हैं। इस खुशी को सभी चाहते हैं लेकिन रास्ते सबके अलग अलग होते हैं। जैसे बहुत सारों के लिए चोरी करना, हत्या करना, अपहरण करना, दुष्कर्म करना, झूठ बोलना, क्रोध में एक दूसरे को मार डालना खुशी है। लेकिन कानून के शिकंजे में आने पर जब उन्हें जेल होती है, फांसी होती है, खुशी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। इसका मतलब ऐसे लोग ये जानते ही नहीं कि खुशी कैसे मिलती है। बहुत सारे लोगों के लिए इस खुशी का आधार अपार धन दौलत, अपार संपदा, गाड़ी, बंगले, घोड़े, नौकर, चाकर, फैक्ट्रियां, फार्म हाउस, सोना चांदी आदि आदि। इस पर मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक बहुत बड़ा सेठ था, अपार धन संपदा का मालिक था, जिसने मेहनत और मजदूरी से धन कमाया था और गरीबों की बहुत मदद करता था, अस्पतालों में धन देता था। लेकिन सेठ का बेटा अपनी धन दौलत पर बहुत घमंड करता था, अभिमानी था, किसी की मदद नहीं करता था। एक दिन सेठ ने बेटे से कहा कि बेटा, मेरे मरने के बाद दाह संस्कार के समय मेरे एक पैर में एक मौजा पहना देना, जो भी फटा हो, यही मेरी अंतिम इच्छा है। बेटे ने हां भर दी। सेठ जब मरा तो दाह संस्कार क्रियाक्रम शुरू हुए। बेटे ने अपने पिता की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए एक पैर में मौजा पहराने लगा। तभी वहां खड़े हुए पंडित, बड़े बड़े बुजुर्ग लोगों ने मना किया कि धर्म के अनुसार मरे हुए व्यक्ति को कपड़े नहीं पहनाए जा सकते। लेकिन बेटा अड़ गया, क्योंकि वो अपने पिता की अंतिम इच्छा पूरी करना चाहता था। लोगों ने मना की, बात बहुत आगे बढ़ी। उसी समय भीड़ में से एक व्यक्ति आया और उसने एक पत्र उस बेटे को दिया जो उसके पिता सेठ ने लिखा था। उस पत्र में क्या लिखा था मित्रों? प्रिय पुत्र, देख रहे हो ना, हमारे पास दौलत, सौरत, गाड़ी, फैक्ट्रियां, फार्म हाउस, नौकर चाकर सब कुछ है, फिर भी मेरी अंतिम इच्छा पूरी नहीं हो सकी। मैं मेरे साथ कुछ नहीं लेना ले जा रहा हूं, नहीं ले जा सका, यहां तक कि एक फटा मौजा भी नहीं। और तुम दिन रात इस धन दौलत पर घमंड करते हो, अभिमान करते हो, गरीबों का, बेसहारों का, दीन दुखियों का आप कभी कोई मदद नहीं करते हो, तुम्हें भी मेरी तरह बिना कपड़ों के जाना पड़ेगा। यदि बेटा आप खुशी चाहते हो तो जीते जी गरीबों की सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो, अस्पतालों में अपना धन लगाओ, शिक्षा में धन लगाओ, क्योंकि धन से महंगा पलंग खरीदा जा सकता है, नींद नहीं खरीदी जा सकती। धन से कभी खुशी नहीं खरीदी जा सकती। खुशी दवा के रूप में नहीं मिलती, खुशी कभी वसीयत में नहीं मिलती, और यदि खुशी मिल भी जाए तो उसे ताला लगाकर रखा नहीं जा सकता। मित्रों, यदि आपको खुश रहना है तो इसका एक तरीका सीखना पड़ेगा। जैसे राजा हरिश्चंद्र को खुशी किससे मिलती थी? सत्य बोलने से। तो वो क्या कहलाए? सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। युधिष्ठिर को खुशी किससे मिलती थी? धर्म की पालना करने से। तो वो क्या कहलाए? धर्मराज युधिष्ठिर। राजा विक्रमादित्य को खुशी किससे मिलती थी? न्याय करने से। तो वो क्या कहलाए?
न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य, हम सबकी खुशी क्या है? हम सबकी खुशी क्या है? हमारी खुशी यह है कि हम आज रात सोकर सुबह उठे थे, अर्थात हम जिंदा हैं, यही हमारी खुशी है। बहुत सारे सोकर नहीं उठे, हमेशा के लिए सोते ही रह गए, इसलिए हम जिंदा हैं, तो एक खुशी है और ये खुशी हमेशा बरकरार रखनी है। तो कोरोना से बचना होगा और कोरोना से बचने का एक ही उपाय है, एकांत। देहांत से अच्छा क्या है? एकांत। एकांत इज बेटर देन देहांत। उजड़ गए थे बाग जिनके लाखों माली थे, उजड़ गए थे बाग जिनके लाखों माली थे, जब सिकंदर दुनिया से गया तो दोनों हाथ खाली थे। उजड़ गए थे बाग जिनके लाखों माली थे, जब सिकंदर दुनिया से गया तो दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ विजेता, सबसे बड़ा साम्राज्यवादी राजा, जब इस दुनिया से गया तो कुछ संदेश देकर गया था। पहला, जब मुझे महल से दाह संस्कार स्थल पर ले जाया जाए तो मेरे दोनों हाथ मृत्यु संज्ञा से नीचे खोल दिए जाएं, जिससे यह संदेश जाएगा कि अंतिम समय में कुछ भी साथ नहीं जाता। नंबर दो, महल से दाह संस्कार स्थल तक सोने चांदी हीरे जवाहरात जो मैंने गरीबों से अन्याय करके लूटे थे, उनकी सड़क बना देना, इसे यह संदेश जाएगा कि अंतिम समय में कुछ भी काम नहीं आता है। जब मैं मृत्यु सैया पे हूं तो विश्व के तमाम वैद्यराज डॉक्टर खड़े कर देना, जिसे यह संदेश जाएगा कि अंतिम समय में कोई किसी को बचा नहीं सकता है। इसलिए कोरोना से संक्रमित होने पर डॉक्टर भी नहीं बचा पा रहे हैं, इसलिए कोरोना को नजदीक नहीं आने देना है। पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बहुत जल्दी इंडिया के टॉप निशुल्क ऑनलाइन वीडियो मैं और मेरे विषय विशेषक देने वाले हैं, इसलिए चैनल से जुड़ने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें तथा नवीन वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल पर क्लिक करें। साथ ही साथ अपने मित्रों व दोस्तों को आपस में शेयर करें ताकि वो भी इंडिया के टॉप ऑनलाइन वीडियो निःशुल्क का फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं एक नवीन विषय के साथ। जय हिंद।